हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं कि डीन एम्ब्रोस और रोमन रेंस में कौन बेस्ट रेसलर है। डीन एम्ब्रोस की नेटवर्थ है 7 मिलियन, वही रोमन रेंस की नेटवर्थ है 20 मिलियन। डीन एम्ब्रोस की एज है 37, वही रोमन रेंस की एज भी है 37। डीन एम्ब्रोस 1 टाइम WWE हैवीवेट चैम्पियन रह चुके हैं, वहीं रोमन रेंस 6 टाइम WWE हैवीवेट चैम्पियन रह चुके हैं। डीन एम्ब्रोस की हाइट है 6.4 फिट, वहीं रोमन रेंस की हाइट है 6.3 फिट। डीन एम्ब्रोस के इंस्टाग्राम पर 7.61 के फॉलोवर हैं, वहीं रोमन रेंस के 7 मिलियन फॉलोवर हैं। पॉइंटों के हिसाब से रोमन रेंस विनर है, लेकिन हम बात करें बेस्ट रेसलर की तो वह डीन एम्ब्रोस हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि WWE जिस रेसलर को ज़्यादा पुश करती है उसे ही ज़्यादा बार WWE हैवीवेट चैम्पियन बनाया जाता है। और गाइस, रोमन रेंस के डैड WWE में पहले से रेसल करते थे, जिस कारण रोमन ने WWE को साइन कर लिया, और इससे पहले रोमन ने किसी भी रेसलिंग कंपनी में काम नहीं किया। और द शील्ड में भी हम सब ने देखा कि रोमन रेंस बिल्कुल भी अच्छा प्रोमो कट नहीं करते थे, लेकिन फिर भी द शील्ड के टूटने के बाद सेथ रोलिंस को एक नया करेक्टर मिल गया और रोमन रेंस को बहुत ज़्यादा मेगा पुश मिला। रोमन ने ब्रोक लेसनर, अंडरटेकर, गोल्डबर्ग, जॉन सीना, रेंडी ऑर्टन जैसे बड़े रेसलर को हराया, लेकिन फिर भी रोमन को हेट ही मिली, क्योंकि रोमन रेंस इतना अच्छा प्रोमो कट नहीं करते थे और ना ही उन्हें इतना ज़्यादा नॉलेज था ना कि रोमन रेंस प्रेजेंट टाइम में अच्छा काम कर रहे हैं। मगर रोमन रेंस को ऐसा बनाने के लिए WWE के को पूरे 5 साल लग गए। और वहीं डीन एम्ब्रोस WWE में आने से पहले भी कई रेसलिंग कंपनी में काम कर चुके हैं और वहाँ के चैंपियन भी रह चुके हैं। डीन WWE में आने से पहले हार्डकोर मैच रेसल किया करते थे और डीन का फेवरेट पार्ट था प्रोमो कट करना, लेकिन WWE में आते ही वही उनका सबसे बुरा पार्ट बन गया, क्योंकि WWE में एक के एक वर्ड स्क्रिप्टेड होता है, जिस कारण डीन एम्ब्रोस फैन से सीधा कनेक्टेड नहीं हो पाते। जिस हिल्ड में डीन एम्ब्रोस सबसे ज़्यादा डिजर्विंग रेसलर होने के बाद भी उन्हें इतना पुश नहीं मिला जितना कि सेथ रोलिंस और रोमन रेंस को मिला। डीन एम्ब्रोस की फाइट द मिज और केविन ओवेंस जैसे छोटे रेसलर के साथ ही सिमट कर रह गई, उन्हें बड़े रेसलर को हराने का मौका कभी नहीं दिया गया। डीन एम्ब्रोस जब WWE हैवीवेट चैम्पियन भी बने, फिर भी उन्हें बड़े रेसलर के साथ काम करने का मौका नहीं मिला। WWE को छोड़ने के बाद डीन ने यह साबित कर दिया है कि रोमन रेंस और डीन एम्ब्रोस में कौन बेस्ट रेसलर है, क्योंकि डीन ने AEW में जाते ही एक से बढ़कर एक मैच दिए हैं और 2 टाइम AEW चैंपियन भी रह चुके हैं। डीन ने भी बहुत सारी अचीवमेंट हासिल की हैं, लेकिन बात करें बेस्ट स्किल्स की और बेस्ट रेसलर की तो वह डीन एम्ब्रोस ही हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि डीन एम्ब्रोस कितने अच्छे मैच रेसल करते हैं, कितने अच्छे डेथ मैच रेसल करते हैं और कितना अच्छा प्रोमो कट करते हैं। लेकिन यह मेरा ओपिनियन है, आपका फेवरेट रेसलर कौन है ये मुझे कमेंट करके बताइए। देखते हैं किसकी ज़्यादा फैन फॉलोइंग है, डीन एम्ब्रोस की या फिर रोमन रेंस की।